अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद आज की वीडियो क्लास एट के लिए है समर वेकेशन टास्क हम करते हैं स्टार्ट ये वीडियो जो है वो रिक्वेस्टेड है किसी एक बच्चे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और बोला था कि आप ये समर वेकेशन टास्क करवाएं क्लास एट का तो स्टार्ट करते हैं हम टास्क वन फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ और ऐसे भी आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये किस आ, क्लास की बुक है या कौन सी एडिशन है ठीक है तो आपको सारी चीजें जो है ना वो उस पर ही पता चल जाएंगी स्टार्ट करते हैं फाइंड रूट ऑफ़ अब हमने ना इनका पॉजिटिव स्के रूट फाइंड करना है तो स्के रूट का जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी कि इसकी ना क्या क्या स्टेप्स होते हैं कैसे कैसे इसको करना पड़ता है अच्छा तो यहाँ पर मैंने स्के रूट का जो साइन है वो अप्लाई कर दिया है पॉजिटिव स्के रूट ऑफ अब हम टू एट ट्वेंटी एट पॉइंट जीरो नाइन को जो है न फैक्टर्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते थे लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनको ना हम फैक्टर्स की फॉर्म से इसके रूट फाइंड नहीं कर सकते ठीक है तो अब हमें ना डिवीजन मेथड से ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा ट्वेंटी एट पॉइंट जीरो नाइन लिख लिया फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है हमने राइट right से लेफ्ट की तरफ ना दो दो पेयर्स बनाना स्टार्ट करने होते हैं मैंने क्या किया राइट से स्टार्ट किया और लेफ्ट की तरफ दो दो पेयर्स बना दिए ठीक है तो ये हमारे जो है न वो पेयर्स डन हो गए फर्स्ट स्टेप ये हो गया सेकेंड स्टेप ये है कि आपने ना यहाँ और यहाँ यानी कि ट्वेंटी एट के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जो बिल्कुल सेम हों और जिनको मल्टीप्लाई करने से यहाँ तो ट्वेंटी एट आई या से छोटी वैल्यू आए ठीक है तो मैं यहाँ पर अगर मैंशन करूँ फोर फोर जो सिक्सटीन फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव तो फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव अगर मैं सिक्स सिक्स जै करती हूँ यानी कि सिक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्स करती हूँ तो वो थर्टी सिक्स बड़ा आ जाता है जो हमें नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव ठीक है तो ये हमारी इसकी रेंज में आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी दो फाइव आ गए यानी कि दो फैक्टर्स गए एक फाइव मैं यहाँ पे साइड पे लिख दूंगी और एक फाइव को ऊपर ले जाऊंगी ठीक है तो यहाँ पे फाइव फाइव आ गया ट्वेंटी फाइव माइनस करेंगे 28 में से 5 निकालेंगे 25 निकालेंगे तो 3 यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप भी कर दिया सेकंड स्टेप भी कर दिया कि फैक्टर्स आपने ऐसे लेने हैं जो कि सेम हो जिनको मल्टीप्लाई करने से या तो इससे छोटी वैल्यू आए या सेम वैल्यू आए तो वो हमने कर लिया एक स्टेप अब आपने ये जो पॉइंट है ये ले जाना है ऊपर यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है और ये जो पेयर है ये पेयर का पेयर ही नीचे आ जाएगा ठीक है ये जो पॉइंट है ना ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा ये नीचे नहीं आएगा अब हम क्या करेंगे ये जो फाइव हमने खुद से लिए थे दोनों वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई किया था अब आपने उनको ले लेना है और उन्हें ऐड कर देना तो यहाँ पे टेन साथ ही साथ हमने ना एक ब्लॉक बना देना है जिसमें हम कुछ फिलिंग करेंगे अब मैं आपको बताती कि हम फिलिंग कैसे करेंगे ये ब्लॉक जो हमने छोड़ा है ठीक है और जिस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है ये दोनों सेम होनी चाहिए यानी कि जो डिजिट हमारा कितना बन रहा है वन टू थ्री तो ये जो थ्री डिजिट हमारी वैल्यू बन रही है उसका उसका लास्ट डिजिट और इधर से जिसको मल्टीप्लाई करना है जिससे वो सेम होनी चाहिए ये दोनों सेम होने चाहिए ठीक है तो अगर मैं नाइन को देखूँ तो थ्री से मैं स्टार्ट करती हूँ थ्री थ्री जो नाइन क्योंकि ये सेम होने चाहिए ना थ्री थ्री जो नाइन एस्टिमेशन से ही मुझे पता चल गया कि नाइन है तो थ्री थ्री मैं रख के देख लेती हूँ थ्री थ्री जो नाइन थ्री जीरो जीरो थ्री तो ये आ गया हमारे पास 309. थ्री हंड्रेड एंड नाइन इसका मतलब जीरो नाइन इज इक्वल इसका ये सिंबल भी होता है ठीक है और इसका आंस जो आया है वो है फाइव पॉइंट थ्री सेकेंड इसका पार्ट है जो डबल फ्रैक्शन में मौजूद है तो हम क्या करेंगे इसे सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं जो भी डिनोमिनेटर होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस क्वेश्चन से और फिर जो आंस होता है उसमें सारी वैल्यू में ना इस रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो हम क्या करेंगे 49 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 98 अब 98 में ये जो 9 रिमाइंडर है ये हम ऐड कर देंगे 107 तो ये डबल फ्रैक्शन में आ गया वन जीरो सेवन अब आप जो है वो क्या करें फोर्टी नाइन का सेपरेट से ले लें सेवन सेवन से नाइन आसानी से आ जाएगा और वन जीरो सेवन का ले लें ठीक है अगर आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रखना चाह रहे हैं यानी कि इसका जो स्केयर रूट होगा वो भी फ्रैक्शनल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रख लें अगर डेसिमल में करना चाह रहे हैं तो पहले ही आप इसका डिवीजन की फॉर्म निकालें और उसके बाद लास्ट में जैसे ये पॉइंट की वैल्यू की है वैसे ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप इनका सेपरेट सेपरेट स्केयर रूट ले लें अच्छा तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्केयर रूट ऑफ वन ज़ीरो सेवन बाय फोर्टी नाइन इज इक्वल वन ज़ीरो सेवन और फोर्टी नाइन इसका मतलब मैं इनके ना स्केयर रूट्स को सेपरेट कर सकती हूँ तो वन ज़ीरो सेवन उसके बाद फोर्टी नाइन का सेपरेट अब मुझे वन जीरो सेवन और फोर्टी नाइन का सेपरेट सेपरेट लेना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको पॉइंट्स बताए सबसे पहले वन जीरो सेवन का लेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना राइट से लेफ्ट की तरफ ना पेयर्स बनाने स्टार्ट करें हैं दो, दो के और आप देखिए ये ओट थे यानी कि ओट डिजिट थे तो एक लास्ट पे बच गया तो कोई मसला नहीं है अब हम क्या करेंगे वन है तो वन वन जा वन यानी कि हमने ना वन के ऐसे दो फैक्टर्स निकाले हैं जो बिल्कुल सेम हो जिनको मल्टीप्लाई करने से यहाँ तो वन आए यहाँ से छोटी वैल्यू आए तो वन वन जा वन दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए एक वन यहाँ एक वन यहाँ वन वन जा वन आ गया ठीक है अब ये जो जीरो है जीरो बाई सेवन यानी कि पेयर का पेयर नीचे आना है ना तो कर दिया हमने ठीक है डन हो गया वन में वन ऐड किया देखें वन में अब वन भी तो ऐड करना है ना तो आ गया टू यहाँ पर टू लिखा और साथ ही ना ब्लॉक भी छोड़ दिया अब मैं बात आपको ये बताने लगी हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट हैं वन टू अगर मैं इसमें वन भी पुट करती हूँ तो ये तो बन गया ट्वेंटी वन और यहाँ पे यह सेवन मौजूद है अब क्या किया जाए तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है ये अब बड़ा हो गया ये छोटा हो गया इसको फिल करने के लिए इसकी प्लेसिंग करने के लिए यहाँ पे ज़ीरो अप्लाई कर दिया ठीक है ये चीज़ तो हमने क्लियर कर दी अब नेक्स्ट डिजिट भी तो हमने मिलाना है ना देखें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कभी कभार हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाती है जो छोटी हो जाती है लाइक टू वन एट करते हैं ना तो टू वन जै टू और ये जो है ना वन अब छोटा होगा तो यहाँ पे फिर हम ना जीरो की प्लेसिंग करते हैं ये तो आपको याद होगा ना सेम इसमें भी यही प्रोसेस होता है टू ट्वेंटी वन लास्ट जो है वो हमारा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाएगा ट्वेंटी वन आ जाएगा ना तो ट्वेंटी वन भी टू डिजिट है यहाँ पे तो ये एक डिजिट है जो कि सेवन है इसकी फिलिंग करने के लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगी टेन अब नेक्स्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसको साथ मिलाया जाए जैसे हमने इसकी प्लेसिंग कर दी जीरो साथ ही मिला दिया एट को एटीन बन गया तो वो आसानी से आ गया टू न एटीन लेकिन यहाँ पे प्लेसिंग ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो लगा देंगे ठीक हो गया अब भी देखा जाए तो ये है ट्वेंटी वन और ये सेवेंटी तो अब हम इसको कर सकते हैं टू टू और ब्लॉक और यहाँ पे ब्लॉक अब आपने ना यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखनी है जो दो बिल्कुल सेम हो और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यहाँ तो सेवेंटी आए यहाँ सेवेंटी से छोटी वैल्यू आए तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ टू तो फोर्टी फोर आ जाएगा थ्री लिखती हूँ थ्री थ्री जो नाइन एंड थ्री टू ज़ा सिक्स सिक्सटी नाइन आ गया अगर फोर करती हूँ ना वो बड़ा आ जाएगा तो इसलिए एक थ्री आ जाएगा यहाँ एक थ्री चला जाएगा ऊपर तो यहाँ आया सिक्सटी नाइन अब अगर माइनस करते हैं तो बच गया वन इस पॉइंट को यूज करते हुए मैं यहाँ से फिर से ज़ीरो अप्लाई कर सकती हूँ ठीक है अभी वो नेक्स्ट पे हम देखेंगे कितने जीरो अप्लाई करने हैं ट्वेंटी थ्री जिसको हमने मल्टीप्लाई किया अब हुए उसे ऐड भी करना पड़ेगा थ्री में थ्री ऐड किया सिक्स और टू यानी कि ट्वेंटी सिक्स आ गया यहाँ पे अब आ गया ट्वेंटी और साथ ही एक ब्लॉक छोड़ देना हर एक स्टेप में ना ये चीज जरूर करनी है कि साथ साथ आपको ब्लॉक छोड़ना होगा अब हमने ये छोड़ दिया अब देखा जाए अगर मैं यहाँ पे वन भी पुट करती हूँ तो कितने डिजिट बन गए थ्री लेकिन ये तो दो डिजिट है पॉइंट को यूज किया यहाँ पे फिर से एक जीरो लगा दिया अब देख लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं क्या ये छोटा है या बड़ा है जैसा भी Two, six, one. One भी पुट करते हैं तो टू हंड्रेड एंड सिक्सटी वन और ये वन हंड्रेड है अब क्या किया जाए एक और पॉइंट लगा लेते हैं हम यहाँ पे अब जब ये पॉइंट लगे अभी तो जितने मर्जी जीरो हम लगा सकते हैं जरूरत के हिसाब से टू सिक्स और यहाँ पे आ गया ब्लॉक अगर यहाँ वन पुट करती हूँ तो टू हंड्रेड सिक्सटी वन जो कि अभी थाउजेंड से वो छोटा है मैं यहाँ पे फाइव पुट करके देख लेती हूँ फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव सिक्स थर्टी थर्टी में टू ऐड किया थर्टी टू फाइव टू ज़ा टेन और आ गया थर्टीन तो ये बड़ा आ गया वन थाउजेंड एंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव तो मैं ना टू सिक्स में ना थ्री ऐड कर थ्री मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री सिक्स ज़ा एटीन थ्री टू ज़ा सिक्स एंड सेवन ये हो गया अगर फोर से करके देखें शायद के फोर से हमारा आ जाए तो ये बड़ा आ गया इसलिए मैं कौन सा यूज़ करूँगी थ्री वाला यूज़ करूँगी ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी एक थ्री जाएगा यहाँ एक थ्री जाएगा, एक 3 जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा सेवन एट नाइन अब इसको माइनस कर लेते हैं अब माइनस करते हैं तो क्या आएगा माइनस में यहाँ नाइन बचा है यहाँ पे टेन टेन में से नाइन निकाला वन नाइन में से एट निकाला वन और यहाँ नाइन बचा नाइन में से सेवन निकाला टू ठीक है ये बढ़ता जाएगा इसलिए हमें काफ़ी है कि हम इतना ही रहने दें अगर आप इसको नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो फिर से आ जाएगा टू सिक्स और सिक्स और फिर से ब्लॉक एंड सो ऑन ये चीज़ ना बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब टेन पॉइंट थ्री थ्री जो है ना वो आपका आंसर है वन जीरो सेवन के स्केयर रूट का और फोर्टी नाइन जो है ना फोर्टी नाइन का तो कोई मुश्किल नहीं है फोर्टी नाइन का भी अगर हम करते हैं फोर्टी नाइन सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन तो इसका मतलब है कि इसका जो स्केयर रूट आएगा वो सेवन आएगा यहाँ पर अगर हम लिखें वन ज़ीरो सेवन एंड फोर्टी नाइन इज इक्वल वन जीरो सेवन का वन टेन पॉइंट थ्री थ्री और इसका नीचे सेवन ये भी आज ठीक है अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो वो भी ठीक है